तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, सवाल आपका, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। मसला बिजली कटौती रहा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मोहाली स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को तीतर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। पंजाब दौरे पर गए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और पंजाब में 24 घंटे बिजली सप्लाई का वादा किया था। तो बिजली का मसला करंट पैदा कर रहा है, क्योंकि पंजाब में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। हालांकि हरियाणा में चुनाव नहीं है, लेकिन बिजली के कटों से गर्मी का करंट हरियाणा वासी भी झेल रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है और यह ऐसा हो क्यों रहा है, यह और बड़ा सवाल है। गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में बिजली पानी की किल्लत होना आम बात है, लेकिन क्या बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरतों पर समय रहते काम नहीं हो जाना चाहिए? हरियाणा में बिजली कटों के चलते लोगों को गर्मी से दोचार होना पड़ रहा है। बिजली की अघोषित कट से लोग परेशान हैं। किसानों की फसलों का पानी के अभाव में सूखने का खतरा पैदा हो गया है, लेकिन बिजली की किल्लत को देखते हुए हरियाणा में बिजली महकमे ने कमर कसी है। अघोषित बिजली कट लगने पर इलाके के एसडीओ, जेई और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिजली के लिए आंदोलन या प्रदर्शन होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित एसडीओ, जेई और शिफ्ट अटेंडेंट की ही होगी, उन्हें चार्जशीट किया जाएगा। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि राज्य के अधिकारियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, इसमें धान सीजन के दौरान सतर्क रहने और जनता और किसानों को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन यह संकट पैदा हो क्यों रहा है, इस प्रकार के हालात बन क्यों रहे हैं और इसको लेकर हमारी जो तैयारी रही, क्या वो अधूरी रही कि अचानक से गर्मी बढ़ी? गर्मी बढ़ने के बाद लोगों ने ज्यादा एसी, कूलर, मोटर का इस्तेमाल किया फसलों को पानी देने के लिए, क्योंकि मौसम में हम देख रहे थे पिछले कुछ समय से कि बरसात न होने के चलते जो धान की फसल है उसको नुकसान हो रहा था। तो किसानों ने इसके लिए भी तमाम चीज़ों को अपनी तरफ से धान की फसल को बचाने के लिए, अपनी खेती को बचाने के लिए पानी देना मुनासिब समझा, ज़रूरी भी है। और ऐसे हालात में अचानक से बिजली की खपत बढ़ी, लेकिन ये अक्सर गर्मी के दिनों में हो जाता है। और हुआ ऐसा कि बहुत से ऐसे शहर रहे जो जगमग योजना के तहत गांव जो आते हैं उन गांवों में भी काफी समय तक जो है लोगों को बिजली कट से परेशान होना पड़ा। अब इसको लेकर कुछ सवाल तैयार होते हैं, कुछ सवाल बनते हैं। वो सवाल क्या है वो सवाल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी और दें कि ये जो, चलिए एक बार सवालों पर नजर डाल लेते हैं। बिजली की किल्लत से निपटने के लिए सरकार की तैयारी क्या है कि ऐसे हालात फिर ना पैदा हो? बिजली के कट से जो परेशान उपभोक्ता है उनको राहत मिलेगी क्या? हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं, सरकार की तैयारी क्या है बिजली की किल्लत से निपटने के लिए? और खपत और उत्पादन में तालमेल सरकार कैसे करेगी? जो लोग बिजली की खपत करते हैं और उसके बदले में जो उत्पादन होता है उसको लेकर सरकार क्या पैमाना तैयार करेगी, इस पर बात हम करेंगे। लेकिन एक अहम बात यह है कि आप अगर बिजली के कट झेल रहे हैं और अपने इलाके की आपकी समस्या है कि सरकार दावा कर रही है कि क्षणिक थोड़े समय के लिए ऐसे हो सकते हैं हालात, लेकिन अगर आप भी इस प्रकार के हालात से परेशान है तो ये मंच हम आपके लिए तैयार करते हैं। आप अपनी बात उठा सकते हैं और आपके गांव में कितने घंटे बिजली आती है, कितने समय के लिए आपके घर में जो है बिजली रहती है, अगर ऐसे कुछ सवाल हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप बता सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि इन दिनों में छोटे बच्चे, खासकर जो बहुत दूध पीते बच्चे हैं, गर्मी में बड़ी परेशानी उनको होती है। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है, बड़े बूढ़े लोग जो बीमार होते हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। और खासकर गांव में जो इस वक्त गर्मी का प्रकोप है, वहां बिजली कम देखने में मिलती है, उन लोगों को भी बड़ी परेशानी होती है। और शहरों में भी पिछले दिन देखा गया कि जगमग योजना के तहत भी हालात खराब हुए,
पानीपत में बिजली की किल्लत रही, अंबाला में देखने को मिली। शहरों की बात करें, कुरुक्षेत्र में भी हालात खराब रहे। कैथल, करनाल, सोनीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, रोहतक, बहुत से शहरों में लोगों को बिजली कटों से परेशान रहना पड़ा। अब ये स्थिति बनी क्यों और बन क्यों रही है, इस पर सवाल करना बेहद जरूरी है। मेरे साथ दो मेहमान, खास मेहमान जुड़े, परिचय करा देता हूं। बाल मुकुंद शर्मा है मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बाल मुकुंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और भारत भूषण ज्वाल है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ है। भारत भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में हम चाहेंगे कि चर्चा बहुत सहज रहनी चाहिए, ज्यादा गर्मा गर्मी आप लोग नहीं करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, गर्मी क्यों हो रही है इस पर बात हम करेंगे, और बिजली की वजह से हो रही है तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसका इलाज क्या है इस पर बात करना बेहद जरूरी। बाल मुकुंद जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा कमेंट मैं भारत भूषण जी से ले लेता हूँ। भारत भूषण जी, ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? पंजाब में तो राजनीति गरमाई हुई है, उस पर तो बात कर लेंगे, लेकिन हरियाणा में तो अभी कोई चुनाव भी नहीं है और आने वाले दिनों में ऐसे कोई हालात भी नहीं है, पर एक संकट पैदा हुआ। कई शहरों में 5-5, 6-6 घंटे के लिए, 10-10, 12-12 घंटे के लिए बिजली चली गई, गुल हो गई। ये ऐसा हुआ क्यों शमशेर जी? गर्मी के सीजन में बिजली का चला जाना, पर सर्दियों के मौसम में बिजली के चले जाने में इतना बड़ा अंतर है जी कि वो सर्दी में महसूस ही नहीं होता, और गर्मी में थोड़ी देर के लिए भी जाए तो बहुत बड़ी परेशानी होती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हरियाणा की स्थिति बिजली के मामले में पहले से बहुत अच्छी सुधरी हुई है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से बहुत ऐसे ऐसे प्रयास किए गए हैं, चाहे बिजली के क्वालिटी जो है, कोल की क्वालिटी जो अपने थर्मल पावर्स को आती है उसकी क्वालिटी बढ़ा करके एफिशिएंसी बढ़ाने का काम किया हो, चाहे लाइन लॉस को कम करने का काम किया हो, नई लाइनें बिछाने का काम किया हो, नए जो है सब स्टेशन पावर स्टेशन एस्टेब्लिश करने का काम किया हो, सिस्टम में सुधार हुआ है। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि हरियाणा के पास सप्लाई लाइन में कहीं फॉल्ट आए हुए एक अलग बात है, लेकिन बिजली सरप्लस है आज की तारीख में भी। आज हरियाणा के इतिहास में 66 से बने हुए हरियाणा के इतिहास में पहली बार जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है खपत का, वो 1 जुलाई को किया गया, 11,732 मेगावाट। हाँ, जबकि हमारे पास 12,187 मेगावाट की जो है अपने पास प्रोडक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि हम बिजली में आपूर्ति में निर्भर नहीं करते किसी और पे, हमारे पास सफिशियंट बिजली है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो मैं मानता हूं कि जैसे जगमग योजना के अंदर 5,287 गांवों के पास 24 घंटे बिजली हमने करा के दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी पीछे देखा अंधड़ आया, तूफान आया, उसमें जब सिस्टम हिल जाता है, पेड़ गिरे, तारों को गिरा दिया, खंभों को गिरा दिया, तो उसको दोबारा से ठीक करने में थोड़ा सा समय लगता है, और उस समय कट करना भी जरूरी होता है क्योंकि सिस्टम ब्रेक हुआ है और उसको एस्टेब्लिश करने के लिए निर्धारित समय के लिए कट करके उसको ठीक करने में समय। लेकिन भारत में ये संकट अचानक से कई जगह देखने को मिला, ये आंधी तूफान का जिक्र तो हम कर लेते हैं, वो तो कुछ इलाके में दिक्कत होती है, लेकिन बहुत बड़े एरिया में लगभग पूरे हरियाणा से ऐसी खबरें आई 1-2 तारीख के आसपास का जिक्र मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए हमें जानकारी नहीं थी कि अचानक से ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, लेकिन तैयार तो रहना पड़ेगा। आज हम 11,732 मेगावाट की खपत की बात करते हैं, हाईएस्ट की, ये आने वाले दिनों में 12,000 मेगावाट भी हो सकता है, ये 13,000 मेगावाट भी हो सकता है, लेकिन उसको उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए था। हमें कोरोना का नहीं पता था, हम तैयार नहीं थे क्योंकि महामारी थी, लेकिन बिजली जैसी चीजों को लेकर तो हम तैयार रह सकते हैं। देखिए शमशेर जी, सारा का सारा सिस्टम को एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, जो पुराना सिस्टम इतने सालों से चला आ रहा होता है उसको 100% ठीक करने में काफी समय लगता है, और ये आप भी मानेंगे कि जो स्थिति बिजली की थी, एक समय यह था कि 29,000 करोड़ रुपया बिजली निगमों के ऊपर घाटा पड़ गया था, और वो इस कारण से हुआ कि बहुत से कंज्यूमर्स को तो आदत पड़ गई थी, खासकर चौटाला साहब के समय से, कि बिजली का बिल देना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, और उसके बाद जो है बिजली के लिए कोई शिकायत के कारण से गांव में आ जाए, कोई बिजली का मीटर चेक करने के आ जाए तो उनको मारो, पीटो, भगाओ, पर बिजली का बिल नहीं देना, उसके कारण सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ था। और अब हम ये मानते हैं कि लोगों ने ये समझ लिया है, मान लिया है कि बिजली अगर अपने एसेंशियल सप्लाई है और उसको लेना है तो बिजली के बिल भी समय पर देने पड़ेंगे और देने भी पड़ेंगे। देखिए बिजली के रेटों में जो गिरावट की बात है, हमने कितना कम किया है, 2011-12 में जो था उस समय जो रेट बढ़ते थे पिछले समय में, उसके मुकाबले आज जो रेट बढ़े हैं वो बहुत कम है। 2010 में जो है 16% बिजली के रेट बढ़े थे, अप्रैल 2012 में 13% रेट बढ़े थे, अप्रैल 2013 में फिर 13% बढ़े थे, चाहे 5% वापिस हो गए थे, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद बिजली के रेटों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि हमने आम आदमी को राहत देने के लिए
पहले मैं रेट पर भी बात करूंगा भारत भूषण जी, रेट पर भी बात करूंगा। उपभोक्ता को एक ये मूल अधिकार है उपभोक्ता का, ये भी बिजली है पानी है, और इसमें रेट बढ़ाने पर बात होनी चाहिए कि रेट घटाने पर बात होनी चाहिए, बिजली की खपत को कैसे कम किया जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए, और उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर भी बात होनी चाहिए। मेरे साथ दो दर्शक हैं, बालमुकुंद जी आप भी के पास आ रहा हूं, दर्शकों की एक बार राय ले लेते हैं। करीम खान मेरे साथ मध्य प्रदेश से नए भी दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका स्वागत है। सर कहिए। नमस्ते जी। नमस्कार सर, मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा बताया गया कि अगर बिजली कटौती होगी, बिजली संकट होगा, तो जिम्मेदारी अधिकारी पे तय की जाएगी। जी, सरकार से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने इसी तरीके की एडवाइजरी हर महकमे को देना चाहिए। आज वहाँ पे गर्मी का माहौल इस वजह से बना हुआ है कि मकान के साथ मकान है, बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग बनी हुई लगी है। मैं कहता हूं कि सरकार को चाहिए कि एडवाइजरी जारी करे कि अगर 2000 फीट जमीन आप खरीद रहे हो तो आपको 1200 स्क्वायर फीट में जमीन मकान बनाना चाहिए, बाकी छोड़ना चाहिए, और वहां पेड़ पौधे लगा के अपनी हवा का इंतजाम खुद करना चाहिए। लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती। अगर 1000 फीट जमीन लेते हो तो आपको 600 फीट पे मकान बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्डिंग से बिल्डिंग सटी हुई है, रोड सीमेंटेड है, बिल्डिंग सीमेंटेड है, तपती गर्मी में उसी की वो वजह है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती, सरकार की जिम्मेदारी तय होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया करीम खान जी, आपका बहुत बेहतर सुझाव है। हरीश एक दर्शक मेरे साथ अम्बाला से, हरीश जी स्वागत है आपका भी। जी नमस्कार। नमस्कार हरीश जी, सुबह 8 बजे मेरे घर की लाइट गई। जी, तो 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक और रिकॉर्ड मेरे पास है, 140 कॉल मैंने करी। तो जब रात को 1:20 पे वो ठीक करने के लिए कहते हैं आपके केले के घर की लाइट गई है, हम ये सुबह करेंगे, जबकि मैं जो यहाँ पे कंप्लेंट सेंटर है उनको फोन लगाते रहो लगाते रहो, वो फोन ही नहीं उठाते रहे। वेटर बंद हो गया, बच्चे मेरी बेटी आई हुई थी, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, ये हालात अभी भी हरीश जी हालात अभी भी बने हुए हैं। और आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं? और गांव में नहीं, मैं सिटी में हूँ। देखो बादल मेरे पीठ पर कौन चल रहे हैं, मैं राष्ट्रीय पंजाबी महासभा जिला अम्बाला का सचिव हूँ। मैंने सुबह 8 बजे कम्प्लेन लिखाई, 10 बजे से मैंने सुबह से फोन करने शुरू किए, रात 1:25 पे जो मेरी कम्प्लेंट दर्ज की गई, और जेई साहब को मैंने कम से कम 30 फोन जेई साहब को किए, लाइन मैन को किए, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे, जब आए केले के घर की लाइट गई हुई है, तो ऐसे ही हम तो ये सुबह आगे ठीक करेंगे। फिर आगे देखो जो मीटर के डब्बे लगे हुए हैं, उन्होंने मीटर का डब्बा नहीं खोलने की वजह डब्बा तोड़ दिया, तोड़ के उन्होंने लाइट ठीक करी। आप बताओ कितने बच्चे हैं, इतना बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइटें सारी पूछने वाले नहीं है। बताओ सुबह 8 बजे होने के बाद 1:40 बिजली गई। बहुत शुक्रिया हरीश जी, आपने अपना सवाल किया और आपकी परेशानी जो है वो मुझे लगता है भारत भूषण जी तो समझ चुके होंगे, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मुकुंद साहब आपके पास आ रहा हूं, बिजली की जो किल्लत है वो केवल हरियाणा में नहीं, देश के कई प्रांतों में नजर आ रही है। पंजाब में दिन भर हमने देखा किस तरह से, हालांकि चुनाव है, चुनाव में ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, पर हालात ठीक नहीं, हमारे पास पर रिपोर्ट लगातार आ रही हैं। अब हरियाणा प्रदेश में भी ऐसे हालात देखने को मिले, हरियाणा में भी बिजली संकट देखने को मिला, और जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे जरूर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सरकार का ये मानना है कि हमने पहले से बेहतर सिस्टम दिया है। ये एक तरह से बदकिस्मती है कि ऐसी सरकारें जब आ जाती हैं, जो केवल झूठ पर आधारित बातें करने लगे। मैं आपको शमशेर जी बताना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के शासनकाल में ही हमने बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया था हरियाणा को। उसकी वानगी मैं 1 मिनट में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और फिर साथी प्रवक्ता से आप ये पूछना, 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी इन्होंने पिछले 6-7 साल में किया हो तो ये रिटर्न में दे, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। जी, हमने हमारे 2004 से 2014 के कार्यकाल में 4 पावर प्लांट लगाए, छत्तीसगढ़ में, एक हिस्सा हरियाणा की साइड पड़ता है, झज्जर में खान जांडली कला और खानपुर कलागांव, और एक दूसरा हिस्सा हमारा यमुनानगर में, 4 हमने पावर प्लांट लगाए। भूटान सरकार के साथ हमने एग्रीमेंट किया, पन बिजली परियोजना भूटान में उत्पादन हमने शुरू किया। और इससे पहले जब हमारी सरकार आई थी, हम कोयला खरीदते थे कंपनियों से, दुकान से, एक तरह से ये मानिए किसी से कोयला खरीदे, हमने सरकार के अपने ब्लॉक लिए और वहां से कोयला खदान से लोड हुआ और कोयला यहाँ पहुंचा, हमने आत्मनिर्भर बना दिया था हरियाणा को हमारे शासनकाल में। और एक नई बात, 1966 में हरियाणा बना, और आज 2021 तक कोई भी पावर प्लांट
किसी दूसरी सरकार ने लगा, सभी के सभी कांग्रेस ने लगाए। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप इसे चेक करवा सकते हैं। एक और बात, जब हमारा समय था उस समय में इस समय में क्या फर्क है शमशेर जी? पहले हम डैम बनाते थे, बहुत बड़ा खर्च आता था पानी का, डैम बनाते थे फिर बिजली का उत्पादन होता था, उसके बाद ताप पर आई, कोयला पर आधारित बिजली आई, और आज तो इतना विज्ञान ने युग युग उन्नति की है, सौर पैनल का भी जमाना आएगा, सौर पैनल से होता है, पवन चक्कियों से उत्पादन, छह सात तरह के परमाणु संयंत्र लगेंगे, परमाणु से बिजली उत्पादन हो सकती है, जो कि हमने जमीन खरीद रखी है प्लांट लगाने के लिए हिसार में, एक भी नया पैसा अलॉट नहीं किया इन्होंने। हमारा एग्रीमेंट हो गया अंतरराष्ट्रीय सतह पर, आपने भी, आपको पता होगा, हमने हिसार में एक प्लांट लगना था जो कि परमाणु संयंत्र, परमाणु रिएक्टर उससे होना था, उस पर ही सरकार ने काम करा, सरकार ने कोई काम किया? ये जो हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, आप इनसे ये पूछो कि पिछले सात साल में पावर प्रोडक्शन में कि एक मेगावाट बिजली उत्पादन का कोई प्लांट कहीं लगाया? और ये लोग क्या कहते हैं, जब जवाब मिलता सरकारी प्रवक्ता हमारे साथ आते, एक दिन जवाहर यादव था कि हमने लाइन लॉस कम कर दिया, और ये अधिकारियों पर गाज गिरने की बजाय सरकार ये बताए आपने क्या किया, जिम्मेवारी आपकी थी। आज हरियाणा के जो बिजली की तराई तराई हुई है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, तो बिजली कहां से आएगी जी? एक मेगावाट को मैं चैलेंज देता हूं, एक मेगावाट प्लांट इन्होंने कहीं लगा, ये बताएं। चले बात कर लेते हैं भारत भूषण जयाल जी, ये आरोप है कि हम कांग्रेस पार्टी का एक, मैं आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो एक दर्शक हरीश जी, उनकी शिकायत का भी जवाब चाहेंगे आपसे कि वो अधिकारियों को फोन करते रहे, लेकिन सच्चाई आंकड़े पर एक मेगावाट बता दे ये। हाँ, ये भारत भूषण जी, पहले तो दर्शक की बात का जवाब दें जो हरीश अम्बाला से, शमशेर जी, हरीश जी की बात का बात है, हरीश जी की बात से ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रेकडाउन तो वहाँ नहीं था पूरे मोहल्ले या पूरे एरिया का, उनके अपने घर की बिजली की जो खराबी रही है, और उसमें तो मेरे विचार से बिल्कुल भी देर नहीं लगनी चाहिए थी, और उनकी शिकायत है कि शिकायत दर्ज होने के बाद तो कार्रवाई हुई, लेकिन अगर शिकायत सुनने वाला ही कोई नहीं था, फोन नहीं उठा रहा था, तो बहुत बड़ी खामी है सिस्टम की, मतलब उस व्यक्ति की जो ऑन ड्यूटी था, या जो अगर ये बता रहे कि 30 बार मैंने जेई को फोन किया, नहीं किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैं इनसे दरखास्त करूंगा। मीटर भी तोड़ दिया उनका, जब वो ठीक करने आए तो मीटर भी तोड़ने की बात कर रहे हैं, मीटर तोड़ दिया। जो कुछ भी उन्होंने किया, पहले तो फोन नहीं उठाया, कंप्लेंट टाइम से अटेंड नहीं की, और आकर के उनका मीटर तोड़ा, वो तोड़ने का वजह भी कोई जेन्युइन होनी चाहिए, क्यों खून नहीं रहा था या कुछ इस तरीके से था तो अलग बात है, लेकिन तोड़ना वो जिम्मेदारी में उनकी आता है, उसको ठीक करना भी। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बिल्कुल बिल्कुल उस कर्मचारी की समय इनके पास सारा कुछ, ये कह रहे मेरे पास रिकॉर्डेड है किस्म से, बिल्कुल शिकायत करें, और अगर शिकायत पे कार्रवाई न हो तो हम जिम्मेदार हैं उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ जो इसने इनको इतने समय तक इस संकट में रखा, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ठीक है हरीश जी, अगर आप इस वक्त भारत भूषण जी को सुन रहे हैं, तो आप उस अधिकारी की, उस जेई की जिसने आपकी शिकायत को अनसुना किया, उसकी आप लिखित में कार्रवाई कीजिए, और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो इस मंच पर हम फिर मिलेंगे, और मेरे साथ भारत भूषण जी होंगे या फिर कोई भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का होगा, उनके सामने आपकी बात रखी जाएगी। आप बाल मुकुंद जी की बात का जवाब चाहेंगे? बाल मुकुंद जी की बात का उत्तर देना चाहूंगा। बाल मुकुंद जी ने कहा जितने भी थर्मल प्लांट है हमने एस्टेब्लिश किए, मैं थर्मल प्लांट्स पे नहीं आ जाता हूँ, मैं यमुनानगर में रहता हूँ, यमुनानगर में थर्मल प्लांट, यमुनानगर की थर्मल प्लांट की सारी मशीनरी चाइना से बुलाई गई थी, और जिस प्रकार का ब्रेकडाउन यमुनानगर में रहा है हमने भुगता है, हमने झेला है। मैं थर्मल प्लांट में जाया भी करता था अपने निजी काम के कारण से, वहां पर जो कोयला आता था ऑस्ट्रेलिया से आता था, और उस समय इतनी घटिया कंपनी का आया था, और उसके बाद जो खदान जिंदल साहब के खदान जो इनको मध्य प्रदेश में मिले थे, कटनी में मिले थे, वहां से जब कोयला आता था, सी ग्रेड का कोयला आता था, उसके कारण से प्लांट चलना ही मुश्किल था, उत्पादन होना तो दूर की बात। कोयले की क्वालिटी की बात करूं, इनके समय में जो क्वालिटी आती थी कोयले की, वो 3300 किलो कैलोरी आती थी पर केजी, 3300 किलो कैलोरी पर केजी उसकी मैक्सिमम गुणवत्ता थी। इस कारण से ब्रेकडाउन से अलग से होता था, उसमें 40% पत्थर होता था, पत्थर हमने ढेर यमुनानगर के थर्पन प्लांट में जा करके ढेर लगे हुए अलग देखे हैं, अब हमने खुद देखे हैं। और उसके बाद आज जो कोयला आ रहा है 3700 से 3800 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से क्वालिटी इंप्रूव हुई है। दूसरी बात, इनका कहना कि हिसार में, झज्जर में, पानीपत में थर्मल प्लांट लगाए, पानीपत में भी मैं खुद निजी काम करता, व्यवसाय के रूप में जाता रहा हूं, प्लांट में 7 यूनिटों में से हमने 3 से मैक्सिमम 4 यूनिट
चलते हुए देखे, तीन चार यूनिट हमेशा बंद रहते थे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल और पुअर क्वालिटी ऑफ कोल। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि खाली प्लान एस्टेब्लिश करना, उसमें कमीशन खा जाना, ये सरकार का काम नहीं होता है। सरकार का काम होता है प्लांट लगाया है तो जितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाया है वहां से प्रोडक्शन लें। ये प्रोडक्शन की बात करें, ये कह रहे हैं कि हमने मेगावाट इतने प्लांट और एस्टेब्लिश कर दिए, लेकिन ये इतने सवाल ये भी पूछ रहे हैं भारत भूषण जी, बाल मुकुंद जी पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने, बात बताता हूँ एक मिनट, मैं आ रहा हूँ इनसे। में सुधारों की बात करें तो यमुना नगर फुल कैपेसिटी पर थर्मल चल रहा है, झज्जर का और हिसार का फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, यमुनानगर की दो यूनिट और पानीपत की दो यूनिट नहीं चल रही थी, रिसेंटली उनको भी फुल कैपेसिटी पे शुरू कर दिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने नहीं, ये कह रहे हैं कि हम तो हरियाणा को, एक मिनट बाल मुकुंद जी, भारत भूषण जी, बाल मुकुंद जी एक मिनट, बाल मुकुंद जी का ये कहना है कि हम तो पूरे प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर करके छोड़ के गए थे, अब ये किल्लत पैदा हो रही है। एक मिनट, और बीजेपी ने नई यूनिट कहाँ लगाई, ये पूछना चाहते हैं आपसे कि नई यूनिट कहाँ लगाई। यूनिट लगाने की जरूरत ही क्यों महसूस हो, एग्जिस्टिंग यूनिट अगर चल ही नहीं रहे हैं तो हमारी सरकार ने तो उन बंद पड़े हुए शमशेर जी, ये आप मानते हैं ना, हमने लगाई है, इनको जरूरत नहीं पड़ी तो हमने आत्मनिर्भर बनाया ना, ये बात तो इनके आंकड़ों से साबित होगी ना, हमने लगा के दे दी थी, इनको नहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका मतलब आत्मनिर्भर किसने बनाया, कांग्रेस ने बनाया ना आत्मनिर्भर, ये आंकड़ों पर आइए। जब हमने लगा के दे दिया प्लांट और आप कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, तो आत्मनिर्भर कांग्रेस ने बनाया, स्वीकार कीजिए। मशीनरी में आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन बिजली की किल्लत से प्रदेश को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राम एक दर्शक मेरे साथ हैं जीन से, बिजली की किल्लत रही है, 10-10 घंटे के कट रहे हैं शहरी क्षेत्र में, हमारे समय पर नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, यूनिट इन्होंने लगाए जिससे ये एस्टेब्लिश होता था कि हमने इतने मेगावाट के यूनिट एस्टेब्लिश कर। मैं आ रहा हूँ बाल मुकुंद जी, एक दर्शक है मेरे साथ, ठीक है भारत भूषण जी, एक दर्शक है राम जीन से, ठीक है भारत भूषण जी एक मिनट, दर्शकों का भी कार्यक्रम है इसमें उनकी राय जरूरी है। राम जीन से दर्शक है, राम साहब बहुत स्वागत है आपका जी, राम बोलिए। चलिए संपर्क शायद टूट गया है उनसे। बाल मुकुंद शर्मा जी, ये भारत भूषण जी जो बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो भी काम किया, जो पावर प्रोजेक्ट आपने लगाया, पावर प्रोजेक्ट, उनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कोयले की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ों पर जो उपकरण लगाए गए, चाइनीज नाम दिया गया, चाइनीज चाइना से मंगवाए गए, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए बड़ी दिक्कत रहती थी इन प्रोजेक्ट को ठीक से मैनेज करने में, लोगों तक बिजली पहुँचाने में। देखिए आज ये सरकार में अगर गुणवत्ता की कोई दिक्कत थी, कोई मशीनरी में कोई दिक्कत थी, तो जांच करने का अधिकार इनके पास है, जांच करानी चाहिए थी। उसके बाद दूसरे इन्होंने शब्दों में कहा आज प्रोडक्शन पूरा उत्पादन चल रहा है, इसका मतलब मशीनरी तो बदली नहीं गई, मशीनरी तो वही है ना, आप जांच कराइए या मशीनरी बदली दो बताइए। एक मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बीच में ना बोले सुने, पहले गोरखपुर परमाणु सही बिजली संयंत्र है जो लगना है, जमीन अधिकरण हम करके गए थे, काम हम शुरू करके गए थे, उस पर काम क्यों नहीं किया। एक मेगावाट की मैं बता रहा हूँ, एक मेगावाट प्रोडक्शन जब आपने नहीं किया और उसके बाद क्या इनको फायदा मिला शमशेर जी। ये जो बिजली का एक पूल हो गया पूरे इंडिया का, पहले जो है नॉर्थ पोल जोन पोल होता था, पूरे देश का एक पोल है, कोई भी बिजली बेच सकता है, कोई भी बिजली खरीद सकता है। तो जो नेशनल पूल हो गया उसमें से इनको ये फायदा हो गया, प्राइवेट कंपनियां आ गई उनसे बिजली खरीदते हैं। आज भी प्रोडक्शन की झूठ बोल रही है, ना खेदड़ प्लांट चल रहा है, ना यमुनानगर प्लांट चल रहा है, ये बिजली प्राइवेट लोगों से खरीद रहे हैं, अडानी से खरीद रहे हैं जो कि मोदी जी का उनके सिर पे हाथ है। मैक्सिमम बिजली हरियाणा की 75% अडानी ग्रुप से खरीदी जाती है। इन्होंने एक भी प्लांट, कम से कम बिजली संयंत्र तो आने वाले भविष्य के लिए लगा था, उस पे काम क्यों नहीं किया ये बता दें, और कितनी परसेंट बिजली अडानी से खरीदा जाता है ये बता दें, छोटा सा कमेंट, टोटल बिजली जो खरीदी जाती है उसमें प्राइवेट लोगों से कितनी खरीदी जाती है और उत्पादन कितना किया जाता है। चलिए छोटा सा कमेंट लेता हूं भारत, छोटा सा कमेंट, उसके बाद मुझे कार्यक्रम संपन्न करना है जी। अभी भाई बाल मुकुंद जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हमने नए यूनिट प्रोडक्शन के नहीं लगाए, इसका मतलब इन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि आज अगर बिजली की आपूर्ति हम कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली गांव में भी मुहैया करवा रहे हैं, तो उन्हीं संसाधनों से कर रहे हैं जो आपने लगाए थे, और आपके समय में 50% 60% से ज्यादा कैपेसिटी में
सप्लाई नहीं होती थी, हमने उन्हीं संसाधनों का सदुपयोग करके उनको पूरी एफिशिएंसी से चला के उनको रेक्टिफाई करके यूनिट्स को कोयले की क्वालिटी बढ़ा करके पूरी प्रोडक्शन ली है, एफिशिएंसी से काम करा है, जो गली सड़ी तारें आपके समय पर थी उनको बदला है, लाइन लॉस को कम किया है, उसी से ये तो आपको हमें शाबाशी देनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए सरकार की कि उन्हीं संसाधनों। चलिए मैं रुकूंगा, बाल मुकुंद जी आपको भी, भारत भूषण जी आप दोनों का बहुत बहुत आभार इस चर्चा में। देखिए आज बहुत सहज चर्चा हुई, हालांकि मौसम गर्मी का रहा, लेकिन इस गर्मी के मौसम में बिजली की किल्लत के चलते लोगों को जो पसीना का करंट लग रहा है वैसा करंट हमारे प्रवक्ताओं को नहीं लगा, वो बहुत सहज बात कर रहे थे। और ये जरूर साबित हो गया इस चर्चा में कि किसने कितना काम किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या काम करके गई थी और भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर बिजली के उत्पादन को सुनिश्चित करने में अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। दोनों ने साफ गोई से बात रखी और ये जनता समझने में बिल्कुल पूरी तरह से मैं कहूं कि हर बात को बारीकी से समझती है कि कौन कितना काम कर रहा है। हालांकि ये बात जरूर बता दें आपको कि बिजली की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं, कई जगहों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। अब सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया कि जो भी SDO JEE होंगे उन लोगों की जिम्मेदारी होगी अगर वहां पर कोई अघोषित बिजली का कट लगता है, बिना बताए कट लगता है, और इसके साथ साथ जो भी कर्मचारी जो भी अधिकारी जहां प्रदर्शन होगा बिजली के लिए उनके ऊपर गाज गिरेगी। ये अच्छी बात है कि जो अधिकारी जो कर्मचारी जिम्मेदार हैं वो बिना बताए कोई कट लगाते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी और जरूरी बात है कि जितनी बिजली की आपूर्ति उनके पास हो रही है उससे ज्यादा बिजली वो दे नहीं सकते, तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो सरप्लस बिजली सरकार बता रही है वो गांव-गांव तक घर-घर तक पहुंचनी चाहिए ऐसे मौसम में, क्योंकि इन दिनों में देखा जाता है अस्पतालों में घरों में बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं और पारा जो है वो लगातार बढ़ रहा। हालांकि पिछले कुछ 24 घंटे की बात करें तो परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हैं उत्तर भारत में, लेकिन फिर भी गर्मी के प्रकोप से बचाने में बिजली बेहतर होती है। बिजली की सप्लाई किसानों की फसलों के लिए भी जरूरी है, आम आदमी के लिए भी जरूरी है, इस पर काम लगातार होना चाहिए और जिसने जो काम किया उसका क्रेडिट जनता देती है। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में किसने बिजली पर बेहतर काम किया, उसके नतीजे तो फिर चुनाव ही तय करते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।